गाइस कैसा लगा आप सभी का आज का प्रीव्यूज डीजे स्टेटस वीडियो, आप सभी कमेंट करके एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके द सो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का डीजे स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं अपने फोटो से या किसी और के फोटो से, तो आप सभी बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल में से काइन मैसेज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से ही काइन मैसेज एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हो, तो अब दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे टच करना है। ओके, उसके बाद अब आप लोग ऊपर के साइड में कोने में देख सकते हैं जो इंपोर्ट लिखा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आप सभी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और दोस्तों वहाँ पर आप सभी को एक लिंक मिल जाएगा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट। ओके, तो आप लोगों को दोस्तों उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जो आप लोगों ने डाउनलोड किए थे आप सभी को उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देते ही अब दोस्तों आप सभी के मोबाइल के काइन मास्टर के एप्लीकेशन में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आप सब देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ओपन होकर के आ जाएगा, यानी कि इस तरीके के खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यार ये प्रोजेक्ट बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, हार्ड मेहनत लगा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ से किस प्रकार से एडिटिंग करना है, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, ठीक है। मैं आप लोगों को सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले भी स्टार्टिंग में आ जाना होगा और इसके इफेक्ट के पीछे जो ब्लैक बैकग्राउंड है इस पर टच करना, रिप्लेस में जाना है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग फोटो वाले के गैलरी में जाकर के यहाँ से जिसके भी इमेज फोटो से बनाना चाहते हैं आप लोगों को यहाँ पर उसको इमेज को रिप्लेस कर देना होगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद ये इस इफेक्ट पर टच करके नीचे जाना होगा, देख सकते आप लोग अल्फा का ऑप्शन आने की ओपासिटी, इस पर टच करके दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर आप लोग कम कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं 60 पर रख दिया। ओके, उसके बाद अब आप लोगों को एक रेड स्क्रीन देखने को मिलेगा, तो रेड स्क्रीन पर टच करना है, रिप्लेस में देना है। और दोस्तों अब आप लोग ऐसे राउंड वाले वीडियो को ऐड करना, अगर दोस्तों आप लोग भी कुछ इस प्रकार का राउंड वाला वीडियो बनाना चाहते हैं अपने फोटो से या किसी और के फोटो से, तो इस पर वीडियो बना करके मैं लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में आप लोग उस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से इस प्रकार का राउंड वाला वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने राउंड वाले वीडियो को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को फिर से ब्लैक बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, तो ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना, रिप्लेस में देना है। फिर से फोटो वाले के गैलरी में जाकर के यहाँ पर फोटो को इस तरीके से रिप्लेस करना है। फिर से अगला ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना है, रिप्लेस में देना है। फिर से फोटो वाले के गैलरी में जाकर के फोटो को रिप्लेस करना है। फिर से अगला ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना है, रिप्लेस में देना है। फिर से दोस्तों आप लोगों को फोटो वाले के गैलरी में जाकर के फोटो को रिप्लेस कर देना होगा। तो दोस्तों अब आप लोग कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर जितना जो ब्लैक बैकग्राउंड आप लोग देख रहे हैं इन सभी ब्लैक बैकग्राउंड में आप लोगों को दोस्तों फोटो को रिप्लेस कर देना। उसके बाद अब आप लोग थोड़ा सा आगे आइएगा तो आप लोगों को यहाँ पर फिर से एक और रेड स्क्रीन देखने को मिलेगा, तो इस पर टच करना है, रिप्लेस में देना है। और फिर से दोस्तों आप लोगों के यहाँ एक और राउंड वाले वीडियो को रिप्लेस करना है, देख सकते हो दोस्तों यहां पर मैंने कर दिया हूं। उसके बाद अब आप लोगों को फिर से ब्लैक बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, तो इन सभी पर आप लोगों को ब्लैक बैकग्राउंड में फोटो को रिप्लेस कर देना होगा। तो आप लोग इतना काम तो कर ही सकते हैं, मैं आप लोगों को अगर वन बाय वन करके रिप्लेस करके दिखाऊं तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों फटाक से मैं इन सभी ब्लैक बैकग्राउंड में फोटो को रिप्लेस कर रहा हूँ और बाकी का जो प्रोसेस मैं आप लोगों को वीडियो को स्किप करके बताता हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों मैं फटाक से फोटो को रिप्लेस कर लेता हूँ और इस काम को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितना जो ब्लैक बैकग्राउंड था सभी पर मैंने फोटो को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को करना क्या होगा, वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाना है। आने के बाद अब दोस्तों आप लोगों ने जितना जो फोटो को रिप्लेस किया था सभी पर आप लोगों को क्लिप ग्राफी को एड करना है। तो उसके लिए आप लोगों को पहले वाले इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और आप सभी को पहले वाले इमेज पर क्लिक करके 3D मैपर में जाकर के दोस्तों 2 नंबर को लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अब आप लोगों को जहाँ से इमेज स्टार्ट हो रहा है 3.5 से 34 सेकेंड उस इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और इन एनिमेशन में जाकर 6 नंबर को लगाना है। फिर से अगला इमेज पर टच करना है, इन एनिमेशन में जाकर 6 नंबर को लगाना है। फिर से अगला इमेज पर टच करना, इन एनिमेशन में जाकर 6 नंबर को लगाना है। फिर से अगला इमेज में जाकर इन एनिमेशन के क्लिप ग्राफिक्स में जाकर 6 नंबर को लगाना, ओके। तो अब आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से इन एनिमेशन में जाकर 6 नंबर वाले को क्लिप ग्राफिक्स आप सभी को दोस्तों यहां तक ऐड करना है, 9.579 सेकंड तक ऐड करना है। उसके बाद जो इमेज आ रहा है 9.580 सेकंड उस इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में देना है और गुड वाइब्स में जाकर 4 नंबर को लगाना है। फिर से अगला इमेज पर टच करके आप लोगों को गुड वाइब्स में जाकर 4 नंबर को लगाना है। फिर से अगला इमेज पर टच करना है,
और आप लोगों को गुड वाइब्स में जाकर 4 नंबर को लगाना, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से गुड वाइब्स में जाकर के 4 नंबर वाले को क्लिपग्राफिस आप लोगों को ऐड करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को गुड वाइब्स में जाकर 4 नंबर वाले को क्लिपग्राफिस आप सभी को दोस्तों यहाँ तक ऐड करना, ठीक है। देख सकते हो फ्रेंड्स 21.485 सेकंड तक ऐड करना, उसके बाद जो इमेज आ रहा है 21.486 सेकंड जहाँ पर कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं लगा है वो उस इमेज पर आप लोगों को टच करना है, क्लिपग्राफिक्स में जाना होगा और इन एनिमेशन में जाके 6 नंबर को लगाना, फिर से अगला इमेज पर टच करना है, इन एनिमेशन में जाके 6 नंबर को लगाना, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर जो 4 फोटो देख रहे हैं इन 4 फोटो पर इन एनिमेशन में जाके 6 नंबर वाले को क्लिपग्राफी को लगाना है। उसके बाद राउंड वाले वीडियो के बाद जो इमेज आ रहा है देख सकते हैं 27.495 सेकंड उस इमेज पर टच करना है, क्लिपग्राफिक्स में देना है और हॉलोबीन पार्टी में जाकर 10 नंबर को लगाना है, फिर से अगला इमेज पर टच करके हॉलोबीन पार्टी में जाकर 10 नंबर को लगाना होगा, ओके। तो दोस्तों अब आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से लास्ट में जितना जो इमेज बचा है इन सभी इमेज पर हॉलोबीन पार्टी में जाकर 10 नंबर वाले को क्लिपग्राफी को लगाना, ठीक है। लगाने के बाद अब आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाना है, 21.486 सेकंड पर आ जाना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से करना क्या होगा, एक लाइन वीडियो को एड करना था। चलो दोस्तों यहाँ पर मैं जो उस लाइन वीडियो को एड कर देता हूँ, तो आप लोग को दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने लाइन वाले वीडियो को एड कर दिया, उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन में जाकर व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में करना है और एक बार बैक जाना नीचे ब्लेंडिंग और आप लोगों को इसको स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद अब आप लोगों को इस इमेज के लास्ट में आ जाना होगा 25.954 सेकंड पर, ऑनलाइन वाले वीडियो पर टच करके कैंची पर टच करके ट्रिम राइट करना है। उसके बाद अब आप लोगों को 27.495 सेकंड पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से इफेक्ट वीडियो को एड करना है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने इफेक्ट वीडियो को एड कर दिया, उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन में जाकर व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में करना और एक बार बैक जाना नीचे ब्लेंडिंग में और दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन करना है, फिर से एक बार बैक आना है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्पीड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप लोगों को स्पीड को आप लोगों को कुछ इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से घटाना होगा, ठीक है। देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को 1.4 सेकंड पर रखना होगा, जैसे यहाँ पर मैंने रख लिया हूँ। उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्टिंग में जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना और आप लोगों को यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो को एड करना होगा। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने टेम्पलेट वीडियो को एड कर दिया, तो आप लोगों को इसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेम्पलेट वीडियो एड हो जाने के बाद इस प्रकार से आप लोगों को रोटेट करना है और इसको आप लोगों को जूम कर देना है, यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है और नीचे जाना है ब्लेंडिंग में और आप लोगों को इसको भी स्क्रीन करना है। स्क्रीन कर देते ही अब आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत पसंद और अमेजिंग लगा होगा, तो आप सभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भाई हमारे न्यू विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके अल्प सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके के वीडियो जब भी कोई डालूंगा उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के मोबाइल में पहुँचेगा, ओके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कुछ इसी प्रकार के एक नए कमाल कर बेहतरीन धमाकेदार और ट्रेंडिंग डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग के साथ।